हाय दोस्तों, ये है अमेजोन की तरफ से लाया हूँ एक सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया ड्रोन जो अंडर आता है 3500 रुपए का। और ये है दोस्तों अमेजोन से ऑर्डर किया। दोस्तों कैमरा भी मिलता है, जो कि दो दो कैमरा मिलता है और इस ड्रोन में काफी बढ़िया आपको फीचर मिलता है। लाइक स्टेबल भी कर सकते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, फुल HD क्वालिटी 180 PPS पे इसकी वीडियो शूट कर सकते हो। तो चलो फिर एक डब्बा खोल करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा है ये ड्रोन, किस तरह यूज करते हैं और मैं फ्लाई करके भी दिखाऊंगा। तो लेट्स डब्बा खोल करके हटाते हैं इसका स्टिकर का, बिकॉज अमेजोन प्राइम से आया हुआ है तो आपको पता है किस तरह ये लोग पैकिंग करते हैं। तो ये दोस्तों हमारा सुपर सा ड्रोन और यहाँ पे कुछ इसके इनवॉइसेस हैं, तो अभी हटाते हैं साइड में। मेन पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे मस्त सा ड्रोन का बॉक्स है। तो ठीक है, सिंपली इसे ऑन करते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमें मिलता है ड्रोन, इसके अंदर एक बॉक्स मिलता है, लाइक काफ़ी अच्छा है। अगर कोई गिराते भी हो तो डैमेज नहीं होगा इस बॉक्स, ये प्रोटेक्टेड बॉक्स मानते हैं इसके। इसके जिप को करते हैं अनजिप एंड इसके अंदर देखते हैं क्या है। तो सिंपली यहाँ पे मिलता है दोस्तों ड्रोन। तो ये है दोस्तों बेसिकली रिमोट कंट्रोल, इसको आपको अच्छे से समझना होगा तब आप यूज कर सकते हो। ये दोस्तों हमारा ड्रोन एंड यहाँ पे कुछ प्रोपेलर, तो चलो फिर इसके भी कुछ। यहाँ पे दोस्तों मिलता है एक कंट्रोलर जो कि काफ़ी बढ़िया देखने में लग रहा है। इतने सारे आपको बटन्स मिलता है एंड यहाँ पे आपको मिलता है जॉयस्टिक। ठीक है, अब आप सोच रहे हो जॉयस्टिक कहाँ है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। दोस्तों जो DJI का ड्रोन आता है वो इसके पीछे जॉयस्टिक का एक क्लिप हुआ करता था, उसके अंदर आपको लगाना होता है, इंसर्ट करना पड़ता है, तब जाके वो आप कंट्रोलर बना सकते हो। सेम इन्होंने भी ऐसे ही कॉपी किया है, इन्होंने अपना जॉयस्टिक को पीछे रख रखा है। लाइक यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो ये दोस्तों इसके जॉयस्टिक, और सिंपली आपको इसमें पुट करना है लाइक इस तरह। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि अगर कल को अगर आपको निकालना है तो आराम से इसे निकाल सकते हो और रख सकते हो, और कोई भी दोस्तों कोई यूज नहीं करता है बिना इस जॉयस्टिक के चक्कर में। तो यहाँ पे कुछ बटन्स हैं, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा फीचर। और मैं आपको सबसे पहले हम बात करते हैं इस रिमोट कंट्रोलर में लगता है 3 सेल, जो कि ये 3 सेल लगा सकते हो। इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा बैटरी नहीं आता है, तो आपको पहले से ही खरीदना पड़ेगा, तब जाके आपको यूज कर सकते हो। तो अभी रखते हैं दोस्तों साइड में कंट्रोलर को, हम आते हैं ड्रोन पे। तो ये दोस्तों हमारा सुपर सा ड्रोन, काफी हल्का यार, काफी लाइट वेट है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि DJI का कॉपी किया गया है। बहुत हल्का यार, लगभग 200 ग्राम से भी बहुत कम है, क्योंकि इसके अंदर बैटरी भी है, तब भी 200 ग्राम से भी बहुत कम है। अगर इंडिया की बात किया जाए तो यहाँ पे 250 ग्राम से ऊपर अगर आप यूज करते हो ड्रोन का, तो उसके लिए आपको सर्टिफाइड एक लाइसेंस चाहिए होता है। बट वही 250 से नीचे करते हो तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होता है, बट आपको कुछ एरिया का रिस्ट्रिक्शन होता है, लाइक एयरपोर्ट पे और आर्मी एरिया में भी आप यूज नहीं कर सकते हो। एंड बट इसको आप आराम से कहीं ना कहीं आसपास पार्क में यूज कर सकते हो, कोई भी पुलिस का इसका रोल नहीं होगा। यहाँ पे दोस्तों मिलता है कैमरा जो कि 180 PPS पे शूट कर सकता है वीडियो का, और देन यहाँ पे मिलता है कुछ LED लाइटें, और यहाँ पे मिलता है बैक साइड में कैमरा जो कि एज ए सेंसर लाइक यूज करता है। और बात करते हैं यहाँ पे कुछ LED लाइट मिलेगा, अगर हम इसे ऑन करेंगे तो आपको दिखाएंगे किस तरह LED लाइट ब्लिंक करता है। ये फोल्डेबल ड्रोन है जो कि काफी अच्छा है, आप इसे कहीं भी कैरी कर सकते हो। तो सिंपली इसे हटाते हैं, अनफोल्ड करते हैं। अनफोल्ड करना बहुत ईजी है, आपको सिंपली केयर करना होगा। ये दोस्तों प्लास्टिक का है तो कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो टूट जाएगा। तो यहाँ पे कुछ मिलता है प्रोपेलर, जो को 4 प्रोपेलर मिलता है जो काफी। दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ मिलता है प्रोपेलर, अगर आप फ्लाइंग करते हो कुछ डैमेज हो जाता है प्रोपेलर का तो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिलता है स्क्रू ड्राइवर जो कि इसके थ्रू आप चेंज कर सकते हो। अगर अपने प्रोपेलर को अच्छे से यूज करना है, कोई भी डैमेज नहीं करवाना है, तो उसके लिए मिलता है कुछ गार्ड्स, यानी अपने प्रोपेलर पर कुछ गार्ड लगा सकते हो, और कोई भी टकराओगे तो इससे टूटेगा नहीं, काफी अच्छा सेफली रहेगा। तो इसको अभी रखते हैं साइड में। और यहाँ पे मिलता है कुछ डॉक्यूमेंटेशन, लाइक यहाँ पे यूजर मैनुअल गाइड और इसके इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको पढ़ना है। फ्लाइंग करते समय क्या क्या आपको चीजों को ध्यान रखना है, किस तरह यूज करना है, ये चीजें इसमें मेंशन है। हमें दोस्तों पहले से पता है तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इस ड्रोन को उड़ाने से ऐप को डाउनलोड करना है, उसके बाद ही जो कैमरा का एक्शन है वो इस फोन में शो होगा ऐप के थ्रू। ऐप को दोस्तों डाउनलोड करना है, जिसका नाम है Wi-Fi Cam, जो इसको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर दोनों में ही अवेलेबल है, आपको जाके डाउनलोड कर लेना है। अगर डाउनलोड करना है तो सिंपली यहाँ पे QR कोड है, यहाँ पे आपको स्कैन करना है, देन आप सीधे पहुंच जाओगे इसके ऐप पे। तो बस इसे हटाते हैं। दोस्तों इसके साथ मिलता है एक माइक्रो केबल, जिसके थ्रू आप इसके बैटरी को चार्ज करोगे। और आप सोच रहे हो कि यार बैटरी कहाँ है, ड्रोन तो मैंने देख लिया बैटरी कहाँ है। तो देखो देखो दोस्तों, ड्रोन की तो आपने देख लिया, अब हम बात करते हैं इसकी बैटरी का।
तो देखो यहाँ पे मिलता है इसके साथ एक बैटरी और यहाँ पे आपको लगाना है चार्ज, जो कि बैटरी को चार्ज करना है। अगर बात करते हैं इसका कितना है एमएच की बैटरी है, तो 1800 एमएच की बैटरी है। देखो ध्यान से, 1800 एमएच की बैटरी है, जो कि ठीक ठाक टाइमिंग 10 से 15 मिनट इसमें फ्लाइंग टाइम मिल सकता है। दोस्तों कंपनी का दावा है कि 30 मिनट तक फ्लाई कर सकते हो, बट मेरा यार कुछ भी इसमें 30 मिनट नहीं होता, इसमें 10 मिनट तक ही आप कर सकते हो। 10-15 मिनट बहुत है, इनफ है, इतना ही कर सकते हो। और सिंगल दोस्तों बैटरी मिला है, जो कि मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। लगभग 2 से 3 बैटरी तो मिलना चाहिए ताकि हम अच्छे से यूज कर लेंगे, जो भी अगर आप वीडियो शूट करना चाहते हो तो अच्छे से यूज कर सकते हो। तो कोई बात नहीं यार, 3500 रुपए का है, कभी अगर फ्यूचर में अगर अच्छे खासे सब्सक्राइबर मेरे गेन होंगे तो मैं लाऊंगा DJI का ड्रोन, ठीक है। तो इसको हट लगाते हैं सिंपली, हम कमियां नहीं बता रहे बट हाँ इंप्रूवमेंट करना चाहिए यार। देखो सिंपली दोस्तों लगाते हैं, इसको लगा दिया, अब इसे ऑन करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह। तो सिंपली यहाँ पे बटन को ऑन करते हैं, तो ये देखो लाइट जलने स्टार्ट हो गया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है लाइट इसके। अगर आप अंधेरे में भी यूज करोगे, अगर रात को टाइम अगर यूज करोगे तो काफ़ी अच्छे से ये लाइट। यहाँ पे दोस्तों काफ़ी अच्छे से स्टेबल हो गया ये ड्रोन। देखो मुझे नहीं लग रहा था कि ये स्टेबल होगा, बट काफ़ी अच्छे से स्टेबल हुआ है। और देखो DJI जैसे कि टक्कर दे रहा है, बिल्कुल स्टेबल है यार, आप कह नहीं सकते हो कि स्टेबल नहीं है, बहुत अच्छे से स्टेबल है। इसको ड्रोन को उड़ाना बहुत आसान है, लाइक अपने ये जो जॉयस्टिक है इसको सीधे सीधे ऊपर करना है, देन अगर आपको नीचे करना है तो ये डाउन हो जाएगा। इसकी स्टेबल देखो दोस्तों काफी अच्छे से स्टेबल है। अब दोस्तों थोड़ा सा काफी दूर तक लेके जा रहे हैं इसके, काफी ऊंचाई तक उड़ाए। मुझे लगा था नहीं था कि देखो आपको कैमरा में भले नहीं दिख रहा हो बट काफी अच्छे से यार यूज हो रहा है, काफी बढ़िया व्यू है। देखो काफी ऊंचाइयों पे है ये और फर्स्ट एक ऐसा ड्रोन है जो इतना ऊंचाई पे मेरे साथ गया है। मैं कई बार ऐसे ऐसे ड्रोन को यूज करा है बट इतनी ऊंचाई पे तो कभी नहीं गया। दोस्तों बहुत दुख की बात है कि मैं ड्रोन उड़ा रहा था और मेरे से बहुत ही कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी यार, मुझे दिखाई तो नहीं दी, लिटरली अच्छे से हम दिखाई देते बट सूरज के कारण हमारे आंखों का ओझल हो गया और उसके चक्कर में दिखाई नहीं दिया, और जो मेरा कंट्रोलर है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाया। प्लस मैं इसमें जो कैमरा था वो भी अच्छे से वर्क, मतलब इनफैक्ट वो कैमरा चल ही नहीं रहा था, ऐप ही इसकी चल ही नहीं रही थी। दोस्तों मेरा ड्रोन खो गया और मेरे 3500 रुपये चले गए। मेरे आसपास मेरे बगल में ये पार्क है, बट दोस्तों अगर बात करें पीछे का तो यहाँ पे पूरा सोसाइटी सोसाइटी है, और सोसाइटी बहुत बड़ी सोसाइटी है जो कि इसी सोसाइटी के अंदर गुम हो गया और मिल ही नहीं रहा है। मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, और जो मेरा ड्रोन है यार 3500 रुपये का ड्रोन था, लिटरली ना सबसे ज़्यादा मेरा लॉस हो गया इस वीडियो में, क्योंकि यार 3500 रुपये का ड्रोन था और उड़ गया। ये दोस्तों हमारा बचा एक कंट्रोलर, अब इसको मैं क्या ही करूँ यार, मैं बहुत ही डिप्रेस, मतलब मैं उदास हूँ कि यार मेरे 3500 रुपये चले गए और मेरा चैनल भी मोनेटाइज नहीं है यार, क्योंकि मैं सोचा था कि चलो एक होप रखा है कि हाँ धीरे धीरे वीडियो बनाऊंगा, कभी ना कभी तो चैनल उठेगा, बट सॉरी दोस्तों मेरा ड्रोन तो उड़ गया, मेरे 3500 रुपये चले गए, अब मैं क्या करूं। तो बस यही ड्रोन, देखो दोस्तों ड्रोन अच्छा था, काफ़ी ऊंचाई तक गया था, मैं आपको दोस्तों वीडियो में देख ही रहे होंगे। तो बस यही है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो बस लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब चाहे तो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम चलते हैं इस रिमोट को क्या करेंगे।